सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर में। और जैसे आज हम बात कर रहे थे हिंदी के एग्जाम की, और आशा करता हूं सभी बच्चों का अच्छा हुआ है। और सेट वन का हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसने सेट वन नहीं देखा है तो कमेंट में एक पिन कमेंट है उस पर आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेट बी की। सेट बी के अंदर आपको सेम पैटर्न है, 11 जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू का है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। चलिए पहले जो उसके जो ऑप्शन है वो आप निशान लगा लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले का आएगा ए, पहला जो ऑप्शन आएगा वो है ए, सेकंड का भी है ए, पहले दो का है ए, और तीसरे का है डी, और चौथे का है बी, और पांचवें का है डी, और छठे का है ए। ये इस तरह से ऑप्शन है वो थे, आपको निशान लगा लिए होंगे। और जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर आपको एक जो पैसेज है वो दे रखा है, और पैसेज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो एक जीवन परिचय है, और इसके अंदर भी हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से किसी एक का जो जीवन जो परिचय है वो आपको करना है। ये यदि आपने पढ़ रखी है तो ही आप ये चीज़ें कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, और इसके अंदर कुछ दो पंक्तियाँ दी गई हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक कविता की है। चलिए ये भी दो नंबर का था और ऊपर वाले चार नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपको कोई दो क्वेश्चन करने हैं, तीन जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, और जबकि क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें आपको ऑप्शन है एमसीक्यू है वो दे रखे हैं। चलिए इनकी डिस्कस करते हैं। और जो पहला ही जो क्वेश्चन आता है सिक्स के अंदर जो पहला है उसका ऑप्शन आएगा बी, और जबकि जो सेकेंड है उसका भी जो ऑप्शन है वो आएगा बी, और थर्ड का जो ऑप्शन आएगा वो है सी, और फोर्थ का ऑप्शन है डी, फिफ्थ का जो फिफ्थ है उसका ऑप्शन है बी, और सिक्स का ऑप्शन है सी, और सेवन्थ का ऑप्शन है बी। और इसी तरह ये हमारा जो सिक्स जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। जो सेवन क्वेश्चन है उसकी बात करें तो ये भी एक जो पैसेज है वो दे रखा है जिस पे आप कर सकते हैं। और जबकि जो एट्थ जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा किस पे, ये आते हैं कि हमने जो किताब जो पढ़ी है उनमें से जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है वो आते हैं वितान का, और वितान भाग दो से जो है वो लिए गए हैं, और सभी के जो उत्तर हैं वो आपको देने थे, दो दो नंबर के थे, और पांच क्वेश्चन हैं वो करने हैं। और नंबर जो टेन आता है वो आते हैं हमारी ग्रामर की बात करूँ तो मैं सेट बी के अंदर जो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंटरनेट का आरंभ भारत के अंदर कब हुआ, वो हुआ था 1993 के अंदर। और कहानी का केंद्र क्या होता है, शिक्षा है, मनोरंजन है, ये इसके केंद्र होते हैं, मतलब बिंदु होते हैं प्रमुख। चलिए ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वो 1936 के अंदर की गई थी, और कौन सी शैली है वो जो शैली है वो आती है उल्टा पिरामिड जो शैली है वो देखने को मिलती है। और जो फिफ्थ है उसके जो छापेखाने का जो आविष्कार है वो क्या है, गुटेनबर्ग ने गोवा के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी आपको ग्रामर का है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो। और भी जो एग्जाम है उनको देखने के लिए आप हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे दिया जाता है, उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।